इज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करोना वायरस एंड वर्ल्ड इकॉनमी द इकनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया की इकॉनमी है उस पर कैसा ये इसने असर किया है और किस तरह इस पर इफ़ेक्ट हुआ है और हमारी लाइफ पे हमारी डेली लाइफ पे और उसके अलावा दूसरे जो सेक्टर्स है हमारी ज़िंदगी से जो रिलेटेड है तो उस पर इसका कैसा असर है और उसके आफ्टर वर्ड्स इसके जो है रिजल्ट इसका क्या होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अभी मुतासर हो रही है जिस पे ज़्यादा असर हुआ है इस पेंडमिक की वजह से वो है वर्ल्ड इकोनॉमी <coughs> क्योंकि स्टॉक मार्केट दुनिया का क्रैश हो रहा है बहुत अरसे से और आप देखते होंगे न्यूज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट किसी का क्रैश हो गया किसी का इतने लोअर रैंक में चला गया कि वो ना होने के बराबर है तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है पेंडेमिक का जो दुनिया की इकानमी है तो उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है उसके साथ साथ अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री को देखें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं दुनिया में जो रहते हैं जाहिर है वो एक न एक जगह से दूसरी जगह दूसरी से तीसरी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखते हैं कि टूरिस्ट जो है वो टूर करते हैं अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन पीपल दे आर काइंड ऑफ मोर इंथूज व्हेन इट कम्स टू टूरिंग अदर कंट्रीज एंड गोइंग टू अदर कंट्रीज इनको ज्यादा शौक़ होता है बाहर के ममालिक में घूमने फिरने का लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है वो है ट्रैवल एंड टूरिज़म जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों में अपने मुल्क अपने ममालिक में वो महसूर होकर रह गए वो कैद हो गए और वो कहीं जा नहीं सकते एनी हाउ इट्स गुड फॉर देयर देयर हेल्थ एज़ वेल देयर लाइफ एज वेल बिकॉज दे नीड टू टेक प्रिकॉशनरी मयर्स इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड कीप दम सेल्व अवे फ्राम दिस दिस वायरस एंड आपको पता है कि अगर खुद को सेफ रखना है सेफ रखना है तो वो तो होता रहेगा बाद में लेकिन जो चीज़ें हमें एहतियात एहतियाती तदाबीर जो हमें एहतियात करनी चाहिए और जिसको हम हमने फॉलो करना है वो हमें फ़ॉलो करना चाहिए तो मेरा सेकंड पॉइंट ये था कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इससे बिल्कुल डिमोलिश हो गई है और इसको दोबारा अपने पाँव पर करा रहने के लिए और खुद को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके अलावा जो हम देखते हैं एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री एयरलाइन इट एविएशन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो ग्राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी दे आर ग्राउंडेड दुनिया दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एयरलाइंस आप देखें कांतास एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया uh, का कांटास एयरलाइंस एम देखे यू का एम देखे इसके अलावा जो नेशनल फ्लाइट्स है एयर देखे जितनी भी कंट्रीज है चाहे वो यूरोप हो या वो मिडिल uh, ईस्ट हो या वो एशिया हो या वो अफ्रीका हो तो uh, सारी एयरलाइंस अभी बंद है और उसका का मकसद भी ये है कि आप देखते दे हैं डिफरेंट कंट्रीज में भी रिपेट्रेशन फ्लाइट्स जो है वो ऑन है तो उसका मकसद ये है कि इसको एक ख़ास जगह तक महदूद रखा जाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल स्प्रेड से उसको बचाया जाए इवन दो ऑलरेडी ये स्प्रेड हो चुका है और 190 हंड्रेड एंड नाइन्टी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन इफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एक सौ नवे इससे जो है इसकी इसकी ज़िद में आ चुके हैं तो अब वो प्रीकॉशनरी मैयर के तौर पर जो एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री है वो सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपना सारा जो है एयरलाइन इंडस्ट्री का जितने भी एयरलाइंस है जितनी भी कंट्रीज़ के जितने एयरलाइंस है सबको ग्राउंड किया हुआ है उसके अलावा अगर हम लोकल बिजनेसेस पे आते हैं तो लोकल बिजनेसेस भी इससे बहुत ज़्यादा असरानंदाज हुए हैं

और उसके बाद अभी 2020 में 32.1% परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जिसको हम बेरोज़गारी की शरह कहते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि नवे सालों में जो बेरोज़गारी की शरह है वो अमेरिका में जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसमें नवे सालों में वो सबसे ज़्यादा आ गया है सो so, अब अगर हम दूसरे ममालिक बात करते हैं जो उस जो अंडर डेवलप्ड है या उसके नीचे हैं तो उनकी क्या सिचुएशन होगी उनकी क्या हालत होगी आप इससे अंदाजा लगा ले कि अमेरिका जो सुपर पावर है वो जो है नवे सालों में उनकी बेरोज़गारी की शरह बत्तीस आशार्य एक परसेंट पर आ गई है ग्लोबल पॉवर्टी अगर हम देखें दुनिया में गुर्बत वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसकी वजह से क्योंकि बिजनेसेस कारोबार सारा सब कुछ बंद है अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें हम लोकली बात करें हम इंटरनेशनली बात करें तो उसकी वजह से जो पावर्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और दिन ब दिन उसकी रेशो में उसकी शराह में वो इजाफा हो रहा है उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से वो उनकी इकोनमी जो है वो आगे बढ़ती है तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है एक्सेप्ट फ्यू जैसे हम देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज हो गई फूड एंड बेवरेज फूड स्पेशली फूड इंडस्ट्री तो उनको बेनिफिट है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों जो है वो घरों गरो, घरों में मैसूर है वो घरों से बाहर नहीं निकलते और जाहिर है आ, कि उन्होंने अपने लिए जो है वो फूड का एहतमाम करना है और उसके लिए जो है वो आ, सारा सब कुछ जो उनके साथ उनके पास जितनी भी सेविंग या जो भी होता है तो जाहिर है कि उन्होंने उस पर लगाना है तो फूड इंडस्ट्री वो अभी तक सर्वाइव कर रही है और फार्मा इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जो है वो सरवाइव कर रही है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से मास्क की डिमांड बढ़ गई सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ग्लोबली और लोकल लोकल हिसाब से भी और ग्लोबली भी ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसकी डिमांड की वजह से वो ग्रोथ कर रही है और वो सस्टेन है अभी तक अपनी जगह पे लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेविस्टेड हो गए हैं तबाह हो गए हैं इस पेंडेमिक की वजह से तो मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि अगर हम इंडिविजली uh, बात ना करें वी कोलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यह फैल चुका है और इसकी रोकथाम के लिए जितने इकदाम किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का स्पेशली अभी ट्रायल्स ह्यूमन ट्रायल्स ऑलरेडी हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है कि उन्होंने जो है वह वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि इंसानों पर जो है वो आ, उन्होंने अभी तजर्बात वो शुरू कर दिए हैं और इन उम्मीद है कि अगले आ, महीने तक उसका कोई रिज़ल्ट आ जाएगा और वो कह रहे हैं कि अगर इनका जो फर्स्ट फेज़ है वो पॉजिटिव निकला और उसका रिज़ल्ट अच्छा आया मुस्बत आया और उसने असर दिखाया तो सितंबर तक इन वो भी वैक्सीन भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल होगा सो टिल देन अपना ख्याल रखे अपने प्यारों का ख्याल रखें अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और ये सोच के कि ये जो चीज़ है ये जो वायरस है इसको जो है वो कमतर ना समझे इसको जो है मजाक ना समझे इसको बाई गॉड इसको सीरियसली ले और जब आप सीरियस लेंगे उस हिसाब से फिर आप प्रिकॉशन भी ज़्यादा करेंगे एहतियात भी ज़्यादा करेंगे और आप अपने आप को अपने फैमिली को अपने बीवी बच्चों को सबको जो है इससे बचा सकते हैं अल्लाह से दुआ है कि हमारी जानों की हिफाजत फरमाए और जिनके कारोबार जो है वो ख़राब हो गए हैं इस वायरस की वजह से उनका कारोबार दोबारा रिज्यूम हो जाए और ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोस के लिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन वक्त वक्त आते रहे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बाय एंड अल्लाह हाफ़